नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। वंदे मातरम। 75वीं वर्षगांठ पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर धूमधाम से मनाई जा रही है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के अभियान के तहत पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। ऐसे में पूरे राजस्थान में हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के अभियान के तहत आज भवानी मंडी भी अछूता नहीं रहा। तिरंगे के सम्मान में सड़कों पर उतरा शहर और हम आपको जानकारी दे दें, हमारा देश आजाद हो गया है। आजादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली थी, जिसे हर साल स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर हम मनाते हैं। ऐसे में जितने भी प्रशासनिक कार्यालय हैं वहां भी झंडा फहराया गया है। हम इस आजादी के अमृत महोत्सव में खबर 24 ने आज सुबह से ही शहर के भामाशाह, जनप्रतिनिधि, आम जनता, समाज सेवी से सभी से अपनी अपनी बधाई संदेश मंगाई थी। ऐसे में भवानी मंडी शहर में भी सर्व समाज में एक एकजुटता का परिचय देने का भी काम किया है। ऐसे में हाई सेकेंडरी स्कूल से तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। भवानी मंडी शहर पूरा एक होकर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बच्चों से बूढ़ों से लेकर महिलाओं से लेकर भी उत्साह देखा गया। वहीं पालिका अध्यक्ष आगे आगे झंडा फहराते हुए चल रहे थे और वहीं सर्व समाज के लोगों ने मिलकर इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी निभाई। ऐसे में खबर 24 न्यूज ने पूरी तरह से इसको कवरेज किया और आम जनता से बधाई संदेश मांगा। और खबर 24 न्यूज हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है। ऐसे में स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत में ही हमें इस स्वतंत्रता दिवस को याद भी किया जाता है। आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं देशवासी, और 75वीं वर्षगांठ आज़ादी की मना रहे हैं। इस अवसर पर पूरा शहर घर घर तिरंगा पहनाकर राष्ट्रभक्ति का परिचय देंगे और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत पूरा शहर आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है। मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी शहरवासियों, जिलेवासियों को शुभकामना देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं कैलाश जैन एडवोकेट, भवानी मंडी। भारतीय गणतंत्र और संविधान के जिसके तहत हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, वहां के आज़ादी को 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं।
हर देश के नागरिक का आज कर्तव्य है कि वो इस अवसर पर हर घर में तिरंगा फहराकर अपनी राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करे, देश के सामने प्रस्तुत करे। साथ ही इस अवसर पर मैं उन हजारों लाखों शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनके बलिदान और त्याग की वजह से आज हम इस आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस अवसर पर हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराएं और राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। धन्यवाद। मैं अशोक सिरसेमाल आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर भवानी मंडी के सभी नगरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव घर घर तिरंगा के रूप में मना रहे हैं। यह हम सब देशवासियों का, नगरवासियों का दायित्व है कि हम घर घर तिरंगे इस अभियान को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावनाओं से पूरे उत्साहपूर्वक मनाएं। ये तिरंगा देश की शान है, आन है, बान है। हमें इसकी स्वाभिमान को और रखना, बढ़ाना है। आप सभी नगरवासियों को पुनः एक बार आज़ादी के अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस विनम्र निवेदन के साथ कि अपने घर पर एक तिरंगा अवश्य फहराएं, घर घर तिरंगा। 75वीं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सभी नगरवासियों से अपील है, निवेदन है कि अपने घर घर पर, हर घर पर, हर दुकान पर झंडा ले रहा है ताकि देश में एक अच्छा सा मैसेज जा सके। 75वें अमृत महोत्सव पर नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर सभी नगरवासी, सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान संस्थान पर तिरंगा लहराए। जय हिंद, जय भारत। 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देश की आज़ादी के 75वें महोत्सव की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने घर पर तिरंगा लहराएं। जय हिंद, जय भारत। 75वीं वर्षगांठ पर अपने घर घर पर तिरंगा फहराएं एवं अस्त पर सभी भवानी मंडी के नगरवासी अपने घर घर पे ध्वजारोहण करें एवं समस्त दुकानों पर ध्वजारोहण करें एवं सभी को, सभी नागरिकों को शुभकामनाएं। व्यापार महासंघ अध्यक्ष भवानी मंडी, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव का जश्न सभी तक पहुंचाएंगे। साथ मिलकर हर घर तिरंगा हम फहराएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज़ादी के 75वें महोत्सव पर नगरवासियों को हार्दिक बधाई एवं अपनों को प्रण लेना कि घर घर तिरंगा पहनाना है और राष्ट्र का नाम रोशन करना है। 75वें महोत्सव पर सभी घर वालों को, सभी व्यापारियों को, सबको अपने घर घर झंडा लहराना है। जय हिंद, जय भारत। अत्यंत भवानी, अभय कुमार जैन, भवानी मंडी। बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का अमृतसव मनाने के लिए हमारे पास ये अवसर आया है। अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, संघर्ष और प्रयासों के परिणाम आज हमें ये दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सभी लोगों ने इसको मनाने के लिए संपर्क वे कराए। गांव-गांव, नगर नगर में जो झंडा यात्रा और लोगों का इसके प्रति जो आदर मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, वह अतुलनीय है और अनुकरणीय है। वीर शहीदों की धरती को झुक झुक कर मेरा वंदन है और आज़ादी के अमृत दिवस पर आप सबका अभिनंदन है। मित्रों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हिंदुस्तान के लिए एक यादगार लम्हा है। निश्चित रूप से इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया। आज यह अवसर उस अविस्मरणीय योगदान को याद करने का है। मित्रों, इन 75 वर्षों में इस देश में काफ़ी कुछ गुजरा है, लेकिन एक राष्ट्रीयता की भावना जो 75 साल पहले इस देश के जर्रे जर्रे में मौजूद थी, उसकी कमी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अब महसूस की जाती रही है। आतंकवाद की घटनाएँ, उग्रवाद की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि इस देश में कुछ दूसरे लोग भी अपना सर उठाने लगे हैं। हमारी कामना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम घर घर तिरंगा फहराएं, राष्ट्रीयता की इस भावना को जागृत करें और इस देश को आगे बढ़ाने में हर नागरिक अपना नैतिक दायित्व अदा करे। इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर पूरी भवानी मंडी की जनता को आज़ादी की वर्षगांठ पर
बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अमृत महोत्सव पर 75वें वर्ष पर जो घर घर तिरंगा यात्रा चल रही है, मैं पूरे देशवासियों से करवत निवेदन करना चाहता हूं कि ये आज़ादी के 75 वर्ष बहुत त्याग तपस्या और बलिदान से हमें मिला है, इसका सभी देशवासी भावी नागरिक इसका पुरजोर कोशिश प्रत्येक घर 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 तिरंगा लगाए और देश का मान सम्मान और देश की आज़ादी का जश्न अच्छी तरह से मनाए। मैं सभी से करवत बार बार निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भवानी मंडी की ओर से भी आप सभी से मेरे विद्वान गणमान्य नागरिकों, प्रबुद्धजनों, शिक्षाविदों एवं मेरे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, आप इस आज़ादी का अमृत महोत्सव पर देश की इस देश के लिए अपना घर घर तिरंगा अवश्य लगाए। जय हिंद, जय भारत। भवानी मंडी किराना व्यवसायी हूँ और आज देश में हम 75वां स्वतंत्रता दिवस का दिन मना रहे हैं और हर घरों में, भवानी मंडी नहीं पूरे देश में, हर घरों पे झंडे, दुकानों पे, बाजारों में, सब जगह बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। सम्मानीय भवानी मंडी वासियों, जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप भवानी मंडी की ओर से 75वीं आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी आयोजन के तहत हर घर घर तिरंगा अभियान से जुड़े एवं अपने प्रत्येक घर पर तिरंगा लगाए। जय हिंद, जय भारत। घर घर तिरंगा अभियान के तहत हम भवानी मंडी को सजाएंगे और जगमगाएंगे। जय हिंद। मैं हीरालाल विजावत सभी शहरवासियों को तथा भामाशाहों को, सामाजिक संगठनों के सभी प्रमुखों को 75वीं वर्ष स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्ष दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही सभी से अनुरोध करता हूं कि घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेवें, स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह और उमंग और उल्लास के साथ मनावें। जय हिंद, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। नागस के इस शुभ अवसर पर, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, इस शुभ अवसर पर मैं सभी नगरवासियों एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं एवं इस बीच सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा लगाकर देशभक्ति का परिचय देवे। जय हिंद, जय भारत। मैं शेर सिंह हेड कांस्टेबल थाना भवानी मंडी आप सभी देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए ये अपील करता हूं कि इस वर्ष 15 अगस्त पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव को सफल बनाए जाने के लिए आप सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं राजेश कुमार, पुलिस थाना भवानी मंडी, जिला झालावाड़। इस 75वें अमृत महोत्सव पर सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हर घर तिरंगा लगाए और यह 75वां अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से और हर्षोल्लास से मनाए, देश में सुख शांति अमन और चैन को कायम बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश में 75वां अमृत महोत्सव आज़ादी का मनाया जा रहा है। सभी नगरवासियों और देशवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी देशभक्ति का परिचय दें, अपने घर में तिरंगा फहराएं और इस गौरव के पल को अनुभव करें। सादर वंदे मातरम, जय भारत। 13 से 15 अगस्त के मध्य 75वां अमृत महोत्सव के पुण्य अवसर पर आप सभी देशवासियों, नगरवासियों को हार्दिक बधाई। मैं महेश चंद शर्मा, बैंक परिवार की ओर से इस शुभ अवसर पर आप सभी से निवेदन करता हूं कि घर घर तिरंगा लहराकर देशभक्ति का परिचय देवें। आज़ादी के इस माह अमृत महोत्सव में खबर 24 से जुड़े रहें और देखते रहिए हमेशा खबर 24 पर सादगी भरे अनेक कार्यक्रम। खबर 24 परिवार की ओर से सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हां, 13 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक हमें घर घर हर घर तिरंगा फहराना है और हमें इस 75वें वर्षगांठ की
अमृत महोत्सव में हमें भागीदारी निभानी है। इसमें छोटे से बड़े से कार्यालय हो या निजी कार्यालय हो, वहां भी झंडा फहराया गया है। और हम बात नगर पालिका की करें तो नगर पालिका के 40 ही वार्डों में पार्षदों को झंडा वितरित किया गया और पूरे मोहल्लों के अंदर झंडा लगाया गया। और इस तिरंगा के सम्मान में सड़कों पे उतरा पूरा शहर। देखिए स्पेशल रिपोर्ट, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, और आजादी के जश्न को आप मनाते रहें और देखते रहिए खबर 24 न्यूज का ये स्पेशल कार्यक्रम वंदे मातरम, जय हिंद।